जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो कि अब दो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस में बट चुका है, उसे 13,383 कंज्यूमर्स चूना लगाकर भाग गए। और चूना भी कोई छोटा मोटा, आप सोच रहे होंगे कि बिजली का बिल कोई 10,000 का 20,000 का होगा, लगभग 88 करोड़ का चूना JKPDD को लगा है। और लगाने वाले कोई आम आदमी, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स नहीं है, बल्कि बिजनेस ग्रुप्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बिजली का आनंद लिया, जितना इस्तेमाल कर सकते थे किया, उसके बाद बिना बिल पे किए हुए फरार हो गए। और क्या आप मानेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर PGD डिपार्टमेंट अभी मालूम भी नहीं कर पा रहा कि ये लोग गए तो गए कहाँ, ये जो फरार हो गए हैं सभी लोग बिना बिल पे किए, इनसे वसूला कैसे जाए ये अमाउंट, ये लोग मिल ही नहीं रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मीटर्स के साथ टैम्परिंग, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ आज भी हो रही है। टैपिंग एंड हुकिंग बाय अनऑथराइज्ड कंज्यूमर्स, जिसे सरल भाषा में कहें तो कुंडी लगाना, वो आज भी हो रहा है। और हालांकि ये दोनों चीज़ें इल्लीगल हैं, पनिशेबल हैं, जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत इसकी पेनल्टी होती है, उसके बावजूद भी हालत यह है कि JKPDD या क्योंकि इंस्पेक्शन उतनी नहीं कर पा रहा है जितने कंज्यूमर्स हैं, इंस्पेक्शन की संख्या कम है, और उसके बावजूद भी अगर पेनल्टी किसी के ऊपर लगाता भी है तो वो पेनल्टी रिकवर नहीं कर पाता। ये देखने को मिला कि पिछले 5 सालों में 18.47 करोड़, ये वो अमाउंट है जो पेनल्टी का रिकवर होना था लेकिन JKPDD रिकवर नहीं कर पाया। उसके अलावा जितने भी कंज्यूमर्स, लगभग 17,12,049 कंज्यूमर्स 2016-17 में जम्मू कश्मीर में थे जो जम्मू कश्मीर PGD विभाग से बिजली का मिली हुई बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इंस्पेक्शंस केवल 4-7% केसेस में हुई, और ये भी देखने को मिला रिपोर्ट के मुताबिक कि इंस्पेक्शन उन्हीं जगहों पर हुई जहाँ पर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स यानी कि आम आदमी रहते हैं, वो अगर बिजली का बिल नहीं पे कर पाते थे तो JKPDD एकदम से जाकर पेनल्टी लगा देता था, लेकिन हालत ये है कि वो लोग भी पेनल्टी की अमाउंट भरते नहीं थे। जब चीफ इंजीनियर से पूछा गया कि क्या कारण है इंस्पेक्शंस केवल 4-7% केसेस में हो रही है, और क्या कारण है कि इंस्पेक्शन अगर हो रही है तो उन्हीं जगहों पर हो रही है जहाँ पे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स यानी कि आम लोग रहते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रीज चल रही हैं, बिजनेस यूनिट्स लगे हुए हैं, आखिर वहाँ पर इंस्पेक्शंस क्यों नहीं होती, वहाँ पर छापेमारी क्यों नहीं होती, उधर पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जाती। तो जवाब में ये सुनने को मिला कि स्टाफ शॉर्टेज है, उसके अलावा एसेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, कंज्यूमर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, मुमकिन नहीं हो पाता हर जगह पर इंस्पेक्शन कंडक्ट कर पाना, और मुमकिन नहीं हो पाता कि जहाँ जहाँ पर लोगों को पेनलाइज किया गया है उनसे वो पेनल्टी वसूल कर पाना। अब जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस में बट चुका है, जम्मू की पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और कश्मीर की पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा, क्या लोग अपने बिजली के बिल को सीरियसली लेना शुरू करेंगे और ये समझेंगे कि अगर वो बिजली का बिल नहीं भरते, आइडियली तो ये होना चाहिए कि 15 दिन के अंदर अंदर उनकी बिजली काट देनी चाहिए, और ये कानून भी ये कहता है कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर कोई व्यक्ति पेनल्टी नहीं भरता और अपने बिजली का बिल नहीं भरता तो उसका कनेक्शन काटा जा सकता है, क्या इस कानून को अब जम्मू कश्मीर में लोग सीरियसली लेना शुरू करेंगे, और क्या पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अब कोई जरिया निकालेगी, कोई तरीका निकालेगी जिससे वो इन 13,383 लोगों को ढूंढ निकाले जो जम्मू कश्मीर PGD विभाग को 88 करोड़ का चूना लगाकर भाग गए थे।